सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के हरिहरगंज प्रखंड के जर्जर NH-98 के न्यू बस स्टेशन के समीप सड़क में बनी पानी भरे गड्ढे में शुक्रवार को एक चावल लदे ट्रैक्टर का ट्रॉली पलट जाने से सड़क पर आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इसी सड़क के दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। जाम लग जाने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर से माल को खाली करवाया, तब कहीं जाकर वाहन को सीधी कर आवागमन चालू कराया जा सका। वहीं संवेदक द्वारा सड़क को काफी धीमी गति से निर्माण कराने के प्रति जन प्रतिनिधियों की खामोशी से लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। उधर पीपरा प्रखंड के पिंजराही जन वितरण प्रणाली दुकानदार राजमणि सिंह ने बताया कि वे आज हरिहरगंज स्थित FCI गोदाम से खाद्यान्न उठाकर अपने गांव ले जा रहे थे, तभी शहरी क्षेत्र के NH-98 पर ट्रॉली पलटी खा गई, जिसमें काफी नुकसान पहुंचा है।